लोग कैसे अपनी पूरी जिंदगी एक ही जगह में गुजार देते हैं मुझे पता नहीं, और इस कोरोना काल में तो हालत और खराब होके रखा है। बिगौल में इस साल मई से लेके लगभग जुलाई तक लॉकडाउन था। लॉकडाउन खुलते ही जन्नत की सफर का टिकट बुक किया मैंने। गलत मत समझना, ओ वाला जन्नत नहीं, उसमें अभी टाइम बाकी है। मैं बात कर रहा हूँ इस धरती का जन्नत कश्मीर के बारे में। तो इस साल का दूसरा ट्रिप है ये मेरे लिए, एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू KGL, और एक ग्रुप के साथ जा रहे हैं हम लोग। लगभग 10-12 जन का एक टीम है ये, और कश्मीर ग्रेट लेक का ट्रिप है। और ऐसे ट्रिप एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, क्योंकि छोटा मोटा हाइकिंग ट्रेकिंग मैंने बहुत किया है जो आपने देखा भी है, बट ऐसा एक लंबा चौड़ा सा ट्रेक, लगभग 7 डेज का ट्रेक है हमारा। आज 21st है और हम लोग 30 को यहाँ पे आएंगे, कोलकाता बैक करेंगे। तो इन बिटवीन लगभग 9 डेज का ट्रेक है कश्मीर वैली के ऊपर से। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हमारा नाम पुकारा जा रहा था बाहर से। इतना लेट में कभी नहीं हुआ, एक्चुअली वो लगेज का प्रॉब्लम हो गया था मेरे ब्रदर इन लॉ को, सो दैट्स व्हाई। पर ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पहले से ही एडवेंचर का स्टार्ट हो गया। फर्स्ट रोज फॉर बिफोर टाइम डिपार्चर 0550 आज इंडिगो स्टैंडर्ड टाइम। लास्ट लैंडेड इन जम्मू कश्मीर श्रीनगर, और भूख बहुत ज़बरदस्त भूख लगा है, और यहाँ पे ऐसे लंच का कुछ है नहीं, तो ये मिला पनीर सैंडविच, ये खाना पड़ेगा। नज़ारा कमाल का है कि पीछे पहाड़ और मिडिल से, मतलब कि यहाँ पे एक वैली जैसा जगह है, चारों तरफ पहाड़ है और मिडिल में से एक नदी बहता हुआ जा रहा है। आज तक हम लोगों ने जिस जगह में भी गए हैं, हिमालयन रीजन या फिर कोई और, उस जगहों में पहाड़ तो देखने को मिला था, बट ऐसा वैली एक देखने को मिला था ऊटी में, बट कश्मीर का तो कोई कंपैरिजन नहीं होता है। अभी तो जस्ट एंट्रेंस है, और ये जो 7 दिन बीतने वाला है, आई डोंट नो क्या क्या देखने को मिलेगा। तो आज हमारा यहाँ पे ट्रेकिंग का फर्स्ट डे है। आज हम यहाँ से ऊपर की तरफ चले जाएंगे, इस साइड में ऊपर में, और अभी यहाँ का जो व्यू है, जो नेचर है, दैट इज़ ऑसम। रात में कैंप में रुके थे एंड नींद ठीक ठाक आया था, और ये जो नेचर है इसको देख के तो मतलब मन शांत हो जाता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ कश्मीर आई थिंक। बहता हुआ ये झरना, ये आवाज़, और ऊपर ऊपर में लगा हुआ है हमारा कैंप।
लगभग 5 to 6 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है, अभी भी आज के लिए 5 to 6 और करना पड़ेगा। लगभग आज का जो टोटल हमारा ट्रैक है वो 13 किलोमीटर का ट्रैक है। वेदर हम लोग मांग रहे थे कि वेदर सनी वेदर रहे तो अच्छा होगा, और सनी तो है, गर्मी भी बहुत है दोपहर में यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि कश्मीर है इसके मतलब कि बहुत ही ठंड होगा, बर्फ़ गिरेगा, नहीं। दूर से ग्लेशियर दिख रहा है लेकिन गर्मी है बहुत। ओ मेरे पास तो अभी तो फ़िलहाल नहीं है सर, ये खा लिया हमने, सॉरी। हाँ एक्चुअली सीरियसली मेरे पास नहीं था, नीचे हम चॉकलेट वगैरह जो भी हम लोगों को दिया था वो हमने नीचे खा लिया है। और यहाँ पे मैंने ये चीज़ देखा कि नीचे भी बहुत सारे लोग, बच्चे लोग एक्चुअली मांग रहा था, और क्या है कि ऐसे 2-3 बच्चों में तो लड़ाई लग गया, बल्कि बैग से उठा के ले रहा था। हमने लड़ाई करवा दी। मेरे ग्रुप के सभी लोग, 13 मेंबर्स इन आवर ग्रुप, तो सभी लोग लगभग मेरे से आगे चला गया है, पीछे सिर्फ 2 लोग हैं। मैं ऐसे ही सुस्ती से जा रहा हूँ, क्या जल्दी है, जल्दी जाके क्या करेंगे, टेंट में ही तो रुकना है। और ये नेचर बार बार थोड़ी ना देखने को मिलेगा। यहाँ पे पीछे ना बहुत सारे सीप्स चर रहा है, तो एक्चुअली यहाँ का जो लोकल शेपर्ड है, मतलब इसको जो चराता है, ना मुझे पता नहीं है, वो कह रहा था हमारा गाइड, तो शेपर्ड्स लोगों का ये बकरी है या फिर जो सीप है जो भी है लैम्ब। तो और ये लोगों का घर बहुत ही कमाल का है, नीचे मैंने देखा पत्थर के ऊपर में, पहले पत्थर जमा के फिर पत्थर के ऊपर पे लकड़ी के ऊपर पे मिट्टी डाल दिया, और एक बेस कैंप जैसा लगता है, कोई मिलिट्री कैंप जैसा लगता है। कौन सी घर में रहते हो तुम लोग, घर कौन सा है तुम्हारा, वो ऊपर में
वो वाला तो उसमें रहते हैं वो लोग, और जब स्नोफॉल होता है इस जगह में तब वो लोग नीचे की तरफ चले जाते हैं। मन भर रहा है मैडम, मतलब कि इतना सुंदर। मैं पहले गॉगल्स पहना हुआ था तो उसको उतार दिया, चश्मा लगा के मैं देखना चाहता हूँ बिना किसी कलर में, नेचुरल कलर से। और शायद 10 या 20 मिनट लगेगा, पर एक्चुअली मुझे मेरे सर में दर्द हो रहा है। ट्रैकिंग करने का नियम ये होता है कि आप कभी भी जब भी किसी और जगह से आ रहे हो, जैसे मैं कोलकाता से आया हूँ तो वहाँ का ऑल्टीट्यूड इतना ज़्यादा है नहीं, तो आपको यहाँ पे आके हाई ऑल्टीट्यूड में मिनिमम 24 आवर्स आपको पहले बिताना चाहिए, नहीं तो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट मुझे अभी मेरा सर पकड़ रहा है और मैं बहुत ही धीमा तरीके से मैं आ रहा था। तो अगर आप कभी ऐसे अकेले आते हो तो मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि जिस दिन आओगे उसके अगले वाले दिन भी आप रेस्ट करना, 24 आवर्स तक रेस्ट करना, फिर अपना ट्रैक चालू करना। आज डे 2 है हमारे ट्रेकिंग का और आज हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, शायद किशनसार लेक की तरफ।